डीएसपी ने हमारे साथ बहुत बड़ा तआवुन किया, यूरोपीय यूनियन ने हमारे साथ बहुत बड़ा तआवुन किया। यूरोपीय यूनियन ने बहुत सी जगहों पे हमें स्कीमें दी, जैसे कि वाटर सप्लाई स्कीमें हैं, जिससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो लोग गंदा पानी तालाब का जोड़ों का गंदा पानी पी रहे थे, वहाँ पे हमें साफ पानी मुहैया हो गया, लोग बीमारियों से बचना शुरू हो गए। इसके अलावा बीआरएसपी ने यहाँ पे कलवर्ट्स बनाए, पुल बनाए, जहाँ पे पुल टूटे हुए थे, लोगों को बहुत सी सहूलियात मुहैया हुई। यूरोपीय यूनियन ने जब यहाँ पे सहूलियत फराहम की तो बच्चों में बीमारियाँ कम होने लगीं, लोगों का मयार ज़िंदगी अच्छा होने लगा, लोग स्कूल जाने लगे, लोगों के बच्चे स्कूल जाने लगे। अल्फाज माना है अल्फाज। दिल्ली के हिसाब से हम लोगों ने 50-50 रुपए फी बंदे पे रखे कि भाई ये जो भी पैसे आप लोगों के जमा होंगे इस गांव में खर्च होंगे, और जो भी बेवा औरतें हैं उनकी मदद के लिए खर्च होंगे। फर्स्ट टाइम हम लोगों के साथ जो है ना बीआरएसपी ने यहाँ हम लोगों के साथ तआवुन किया कि कच्चे मकान हम लोगों ने बनाए और उनको बीआरएसपी ने शेल्टर फराहम किए, मतलब छत का सामान जिसमें गार्डर बांस वगैरह थे। बीआरएसपी वालों ने हम लोगों को घर में जो है ना हमारे विलेज में वाटर सप्लाई स्कीम का काम किया था, तो उन्होंने हम लोगों को टैंक्स बना के दिए, पानी उनमें स्टोरेज होता है, उसी स्टोरेज से जो है ना दूसरे घरों में चारों अतराफ जो हमारे अराउंड जो घर हैं उनको जो है ना पानी सर फराहम हो रहा है। काफ़ी अभी हम लोग पर्दे के साथ हमारी औरतें भी बहुत खुश हैं और हम लोगों की विजिट भी हुई है, तो काफ़ी बेहतर हुई है। यूरोपीय यूनियन और बीआरएसपी ने हमारे साथ तआवुन किया, हमारे जैसे नसीराबाद में लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की, इसी तरह हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से अपील करते हैं कि वो भी यूनियन काउंसिल नसीराबाद में यहाँ के स्कूलों, रोड्स और अस्पतालों की सहूलियात फराहम करें हमें, और हम यूरोपीय यूनियन और बीआरएसपी का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ अभी तक तआवुन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी इस तरह हमारे साथ तआवुन करते रहेंगे।